तो हाँ, फाइनली आपने सही पढ़ा, मैं आगे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। और वीडियो मैं क्यों नहीं बनाने वाला हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें मैं आप सभी को दिखा के प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो चलिए फाइनली मैं आप सभी को यहाँ पे इसके बारे में प्रैक्टिकली दिखा के बताता हूँ कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस YouTube चैनल पे अपनी वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, उसके बाद से मैं आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूफ दिखा के बताने वाला हूँ आखिर मैं YouTube छोड़ रहा हूँ तो क्यों छोड़ रहा हूँ। तो चलिए फाइनली मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे इस YouTube चैनल पे यहाँ पे 15,800 सब्सक्राइबर हो गया है। अभी देखिए करंट में आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15,800 सब्सक्राइबर हो गया है। और इस मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है, जो व्यूज़ आ रहा है कितना आ रहा है आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए कितना कम व्यूज़ आ रहा है, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहा है। देखिए मैं आप सभी को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, अभी जो रिसेंटली मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर बहुत ही कम व्यूज़ आ रहा है। और इससे पहले मैं जितनी वीडियो बनाया हूँ सारी वीडियो चल रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर में जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर में जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो है व्यूज़ मिल गया है। देखिए सारी वीडियो पे व्यूज़ मिल गया है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो वीडियो आप सभी देख पा रहे होंगे इससे मुझे 30,000 मिला है। पहले जितना वीडियो मैं बनाता था सब चलता था, लेकिन यहाँ पे मेरे चैनल पे 4-5 बार स्ट्राइक आ गई थी जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड हो गया है, वीडियो डालने के बाद चल नहीं रहा है। वहीं पे मैंने एक नया चैनल बनाया था, एक महीने से कम ही में लगभग 400 सब्सक्राइबर उस पर हो गया है, वॉच टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है। तो जो मैंने नया चैनल बनाया था उस पर अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, लेकिन अभी इस मेरे YouTube चैनल पे जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ लेकिन उस पर व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग मेरे वीडियो को स्किप करके देखते होंगे जिसके वजह से मेरे चैनल का जो ग्रोथ है वो बहुत ही डाउन हो गया है। कोई भी वीडियो को YouTube रिकमेंड नहीं कर रहा है, जितनी भी पुरानी वीडियो है उस पर अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, नई वीडियो पे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि पुरानी वीडियो पे व्यूज़ आ रहा है लेकिन नए वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा टॉप, यहाँ पे टॉप कंटेंट पे, तो यहाँ पे जैसे मैं टॉप कंटेंट पे जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो है सब पे अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो है सब पे यहाँ पे व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ पे मैं जितना भी वीडियो आप सभी देख पा रहे होंगे टॉप कंटेंट में, यहाँ पे देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे जितना भी वीडियो बनाया हूँ सब फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाया हूँ और सारी फॉर्मेटिंग की वीडियो चल रही है। अब आप लोग बताएं मैं क्या करूं, फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाऊं या इस चैनल को मैं छोड़ दूं, आगे वीडियो ना बनाऊं, या तो कोई और कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर लूं, अब आप लोगों के ऊपर है। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे सजेस्ट करें मैं कैसी वीडियो बनाऊं, फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाऊं या एडिटिंग की वीडियो बनाऊं, कौन सी वीडियो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाऊं ताकि वो सारी वीडियो चले। अभी देखिए यहाँ पर जो टॉप कंटेंट है इस वाले में फॉर्मेटिंग की वीडियो है, या तो मैं ये कर सकता हूँ YouTube ना छोड़ के बस फॉर्मेटिंग की वीडियो इस मेरे YouTube चैनल पर बनाऊँ तब चले वो सारी वीडियो, आप ही लोग बताएं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है YouTube पे जो लोग अच्छा वीडियो नहीं बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं उनका वीडियो चल जाता है, जो लोग अपने वीडियो के थंबनेल पे क्लिकबेट करते हैं, ठीक है, थंबनेल पे कुछ और लिख देंगे, वीडियो में कुछ और रहेगा, वो सारी वीडियो चल जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो वीडियो हम एकदम जेन्युइन बनाते हैं, मैं अपनी बात कर लूँ यहाँ पे मैं जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ, जितना भी वीडियो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे बनाया हूँ सारी वीडियो एकदम जेन्युइन है, कहीं कोई भी फेक नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे मुझे बता दे, कोई भी एक वीडियो निकाल के बता दे कि हाँ आपने फेक वीडियो बनाया है, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। जो जेन्युइन होता है मैं उसी वीडियो को बनाता हूँ जो जानता हूँ, और मैं कोशिश भी करता हूँ, ठीक है, कि मैं आप सभी को प्रूफ दिखा के ही वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है।
आप लोग वीडियो देखते भी होंगे तो स्किप कर देते होंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखते होंगे, जिसकी वजह से यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड नहीं कर रहा है। और वहीं पे मैं बात करूं मेरे एक नए चैनल की जिसका नाम है ब्लॉग का भंडार, शायद आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिस पे YouTube मेरे वीडियो को रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यूट्यूब ने रिकमेंड बहुत ज़्यादा कर दिया है जिसकी वजह से ये वीडियो चली है और इस वीडियो पे 3200 से ऊपर व्यूज आ गया है, देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं करूँगा, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की बात करूँगा। यहाँ पे मैं यूट्यूब छोड़ने की बात कर रहा था कि यूट्यूब पे अब वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो बताइए आप लोग कि मैं क्या करूँ, एडिटिंग की वीडियो बनाऊँ या फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाऊं, या मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखूं, कुछ दिन तक मैं फॉर्मेटिंग की सारी वीडियो बनाता रहूं, अगर वो सारी वीडियो चलने लगेगी तो मैं वो वीडियो ही बनाऊंगा, यानी फॉर्मेटिंग वाला वीडियो ही बनाऊंगा इस मेरे YouTube चैनल पे। इस मेरे YouTube चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, बहुत सारी कैटेगरी का कंटेंट बना देता हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे मिक्स कंटेंट हो रहा हो, और मुझे पता है मिक्स कंटेंट हो ही रहा है कभी, और मैं ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं मिक्स कंटेंट बनाता हूँ और ये सब आप लोगों की वजह से ही बनाता हूँ। तो हो सकता है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हो, उसे समझ में नहीं आता हो, तो इसीलिए मेरे यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड नहीं करता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं, ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर है। अगर मेरा फैसला यही है कि मैं कुछ दिन तक फॉर्मेटिंग की वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद से अगर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब को फाइनली छोड़ दूंगा, आगे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं दूसरा चैनल बना के उस पर काम करूँ, लेकिन इस मेरे यूट्यूब चैनल पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, 2 से 3 घंटा देना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो क्रिएट होती है। जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छा से जानते होंगे। कोई भी एक वीडियो शूट करने के लिए, अगर शूट की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर बहुत कुछ देखना होता है कि वीडियो बनाते टाइम में लाइट है कि नहीं है, वॉइस सही आ रही है कि नहीं आ रही है, बाहर कोई शोर कर रहा है कि नहीं शोर कर, ये सब कुछ देखना होता है, तब जाके वीडियो शूट करना होता है। वीडियो शूट करने के बाद से वीडियो को एडिट करना होता है, वहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट लगाना होता है, सपोज करिए कि यहाँ पे मुझे कुछ दिखाना है तो यहाँ पे तुरंत वो आ जाए, साउंड आ जाए, बहुत कुछ लगाना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना होगा एक वीडियो के लिए, तब जाके आपकी एक वीडियो क्रिएट होती है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं वीडियो एक क्रिएट करता हूँ, या कोई भी एक वीडियो क्रिएट करता है और उस पर कोई रिस्पॉन्स ना आए तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। अभी देखिए मेरे फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो गया है, बस गुस्सा आ रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद से मेरे इस YouTube चैनल पे, मेरे किसी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो जितने लोग क्रिएटर हैं, जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग YouTube पे काम करते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी वीडियो मैं डालता हूँ सारी वीडियो को लगातार आप पूरा देखा करें, और एक छोटा सा काम जरूर से किया करें, कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर किया करें, या आपने WhatsApp स्टेटस पे प्लीज लगा दिया करें। इससे क्या होगा कि लगातार YouTube देखेगा कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहा है, तो मेरे YouTube वीडियोस को रिकमेंड करेगा, और रिकमेंड करेगा तो वीडियो चलना स्टार्ट कर देगा। अगर मेरी वीडियो सभी अगर चलने लगी तो आपका भी फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा कैसे होगा, मैं आपके चैनल को प्रमोट करूँगा इस YouTube चैनल पे। तो फाइनली यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब फाइनली आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, YouTube पे काम करूँ या ना करूँ, और अगर करूँ तो कौन सा टॉपिक पे काम करूँ। जो मैंने फैसला लिया है कि फॉर्मेटिंग की वीडियो कुछ दिन तक मैं इस YouTube चैनल पे बनाऊँ, क्या ये सही है या गलत है, आप कमेंट करके बताएं। जो भी आपके मन में विचार आ रहा है तो इस मेरे YouTube चैनल के लिए आप बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।